Hey guys, welcome back to the grammar game. Friends, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ was, were और did के ऐसे चार uses, बहुत important uses जिनको सीखे बिना English नहीं बोली जा सकती। ये आपको spoken English में बहुत ही help करेंगे, आपकी spoken English को बहुत ही improve करेंगे अगर आप इन चारों यूजेस को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट यूज। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है, जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के बीते हुए समय की बात करें, बीते हुए समय की क्वालिटी की बात करें, स्टेट की बात करें या फिर पोजीशन की बात करें, यानी कि स्थिति की बात करें, गुण की बात करें या फिर अवस्था की बात करें, तब हम वॉज या फिर वर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सोहन घर पर था, सोहन वॉज एट होम। फ्रेंड्स, यहाँ पर सोहन की पोजीशन की बात हो रही है कि वो घर पर था, ये उसकी पोजीशन है। अब सोहन कल दुखी था, सोहन वॉज सैड यस्टरडे। यहाँ पर सोहन की अवस्था की बात हो रही है कि वो बहुत दुखी था, उसकी दुख की अवस्था की बात हो रही है। सोहन बहुत अमीर था, सोहन वॉज वेरी रिच। यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है, यानी कि गुण की बात हो रही है। फ्रेंड्स, वॉज आप तब यूज करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर्ब आप तब यूज करेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, वे मेरे विद्यार्थी थे, देवर माई स्टूडेंट्स। वे ईमानदार थे, देवर ऑनेस्ट। मैं अकेली थी, आई वॉज अलोन। तो फ्रेंड्स, ये था वॉज और वर का फर्स्ट यूज। अब हम समझते हैं सेकेंड यूज के बारे में। तो फ्रेंड्स, सेकेंड यूज हमारा ये कहता है, वॉज और वर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं और वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। एग्जाम्पल, वह फुटबॉल खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। बच्चे सो रहे थे, द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग। वह मुझ पर हंस रहा था, He was laughing at me. Friends, ये था was और were का second use. अब हम समझते हैं was और were के third use के बारे में। तो friends, third rule हमारा ये कहता है, जब भी कभी हमें past के यानी कि बीते हुए समय के planned action की बात करनी हो, planned action मतलब कोई काम हमें past में करना था, तब भी हम वॉज या फिर वर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, मुझे मंदिर जाना था, आई वॉज टू गो टू टेम्पल। मुझे कपड़े धोने थे, आई वॉज टू वॉश द क्लोथ्स। उन्हें खाना बनाना था, दे वर टू कुक फूड। मेरे भाई को अखबार पढ़नी थी, My brother was to read the newspaper. Friends, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, was का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और were का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अब समझते हैं हम फोर्थ और बहुत इम्पोर्टेंट यूज was और were का। तो फ्रेंड्स, फोर्थ रूल हमारा ये कहता है, जब भी हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, तब भी हम वॉज या फिर वर का यूज करते हैं। जैसे, राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण। अब हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, रावण वॉज किल्ड बाय राम। ये था हमारा फोर्थ रूल। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिड की। फ्रेंड्स, डिड का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, यानी कि
नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में करते हैं, जैसे मैंने पत्र नहीं लिखा था, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान रखनी है आपने, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जैसे आई डिड नॉट राइट अ लेटर, डिड के बाद हमने राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। क्या मैंने पत्र लिखा था, डिड आई राइट अ लेटर। वह स्कूल नहीं गई थी, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल गई थी, डिड शी गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स, ये था डिड का यूज। अब बारी है आपके होमवर्क की। हम बीमार थे, उसने मेरी बात नहीं सुनी थी। फ्रेंड्स, इन दोनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।